स्वागत दोस्तों मेरे YouTube चैनल दोस्तों हरी कृष्ण इलेक्ट्रॉनिक लैब में। दोस्तों मुझे आशा दोस्तों आप दोस्तों सब ठीक होंगे। तो दोस्तों देखिए हमारे सामने दोस्तों ये 40 इंच का दोस्तों MI का दोस्तों LED TV दोस्तों आया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं ये MI का TV लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों मैं इसमें क्या दिक्कत है मैं आपको दिक्कतें बताता हूँ एक बार, तो इसको चला के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं इसकी जो वायर है मैंने इसकी वायर हमने लगा दी है मैंने ले ली। अब दोस्तों ये हमारी हम यहाँ इसका MI का दोस्तों यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे। तो आप देखिए दोस्तों इसको मैं ऑन करता हूँ। दोस्तों मैं इसको ऑन किया, ये दोस्तों MI लिख के आता है दोस्तों, ये भाग जाता है दोस्तों। इसमें दोस्तों यही दिक्कत आ रही है, मैंने दो तीन बार दोस्तों मैंने चेक किया है, मैंने ये निकाला और दोस्तों देखिए मैंने इसको स्टैंड वाइज में हमारी स्टैंड वाइज की लाइट आई और मैंने दोस्तों इसको यहाँ से इसको ऑन किया दोबारा से। तो देखिए दोस्तों इसमें MI लिख के आता है दोस्तों, ये भाग जाता है। तो चलिए दोस्तों हम फौरन दोस्तों चेक करते हैं इसमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, फिर दोस्तों हम उसको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे और फिर हम उसको हम ठीक करेंगे। तो दोस्तों उसको खोल लेते हैं हम। तो दोस्तों मैं इसका सबसे पहले आपको मॉडल नंबर दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों MI LED TV ये मॉडल नंबर है L40M55AN दोस्तों, इसका मॉडल नंबर है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बिल्कुल दोस्तों देरी ना करते हो दोस्तों इसको हम अपने TV को दोस्तों खोल लेते हैं। दोस्तों इसके पेज लगे थे हम पेज को खोलेंगे हम। देखिए दोस्तों ये मैंने पेज को खोला है दोस्तों। दोस्तों इसका जो कवर है वो पहले दोस्तों इसका ये बाहर आ जाओ दोस्तों, ये देखिए टूटा हुआ है। तो देखिए दोस्तों ये इसका मॉडल नंबर है, हम मॉडल नंबर देख सकते हैं इसका, ये रहा TPD T950 PV795X दोस्तों ये है इसका। तो दोस्तों हम एक काम करते हैं, सबसे पहले दोस्तों इसकी जो हम बैकलाइट है उसको हम चेक करते हैं कि हमारी बैकलाइट सही है ख़राब है। तो देखिए दोस्तों हमने जो दोस्तों हमारी जो बैकलाइट दोस्तों उसका हमने सेटअप दोस्तों कर लिया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, हम अपनी बैकलाइट को हम चेक करेंगे दोस्तों। ये दोस्तों बैकलाइट दोस्तों वायर है ये वाली यहाँ पर, इसको हम निकालेंगे यहाँ से, जो हमारी बैकलाइट की वायर है इसको निकालेंगे यहाँ से, ये हमने निकाली। और दोस्तों हमारी जो बैक दोस्तों ये बैकलाइट की नोब है, इससे हम जो बैकलाइट दोस्तों हम चेंज करेंगे चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये कटा हुआ पहले से पता नहीं कैसे। आप दोस्तों इस पर दोस्तों जो हमारी वोल्टेज पे ध्यान दीजिएगा, तो देखिए दोस्तों इस पर दोस्तों 55 वोल्टेज दोस्तों दिखा रहा है ये, आप देख सकते हैं, देखिए 55 वोल्टेज दिखा रहा है। और दोस्तों आप मैं इसको दिखाऊं तो दोस्तों आप अगर आप गौर से देखिएगा तो देखिए दोस्तों ये जो इसके अंदर है दोस्तों ये इसी उसमें देखिए आप जो हमारी बैकलाइट है जलती है। मैं इसकी जैसे मैं तार निकालूंगा इसके ये बंद हो जाएगी, देखिए दोस्तों ये बंद हो गई, ठीक है दोस्तों। और जैसे ही दोस्तों मैं तार लगाता हूँ ये दोस्तों हमारी जो बैकलाइट है वो जल जाती है। जी दोस्तों जो बैकलाइट है ये जल चुकी है। तो दोस्तों हमने दोस्तों इसका मतलब दोस्तों सीधा सीधा ये है कि दोस्तों जो हमारा दोस्तों ये जो मदरबोर्ड है दोस्तों ये हमारा डैमेज हो चुका है, यानी कि ख़राब हो चुका है। इसके जगह दोस्तों हम क्या करेंगे, दोस्तों आपने देखा होगा कि हम इसमें जो वोल्टेज है दोस्तों 55 वोल्टेज आ रही है, तो हम दोस्तों हम उसके जगह दोस्तों ये लगाएंगे हम गोल्ड 16 EV दोस्तों, ये मॉड्यूल है बैकलाइट ड्राइवर का दोस्तों। इसके लगाने का दोस्तों तरीका दोस्तों बहुत ही आसान है। इसमें दोस्तों लगाना कैसे है, हमें यहाँ दोस्तों यहाँ पर जिसकी जो वोल्टेज है इन BCC 12 वोल्ट से 25 वोल्ट हम इसमें दे सकते हैं। और दोस्तों हमें ये आउटपुट में दोस्तों हमें 35 से दोस्तों 85 वोल्ट के हमें करीब हमें ये निकाल के देगा। तो दोस्तों 32 इंच से लेकर 40 इंच के लिए है जो हमारा जो मॉड्यूल है ये बहुत ही बढ़िया इन्वर्टर है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको लगाना कैसे है मैं आपको बता दूँ एक बार। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हम चेक करते हैं, तो हम देखेंगे हमारे यहाँ पर दो कनेक्टर है, एक दोस्तों ये कनेक्टर है और दोस्तों हमारा ये कनेक्टर है। तो दोस्तों इस कनेक्टर दोस्तों कैसे पहचानना है कि दोस्तों हमारा सप्लाई का कौन सा है और हमारा आउट का कौन सा है। तो देखिए दोस्तों इसके सामने दोस्तों आपको ये लिखा हुआ मिलाई देगा, ये BCC लिखा हुआ दिखाई देगा, जैसे BCC का मतलब दोस्तों 12 वोल्ट है और जो एनेबल ये इसका सिग्नल होता है जिससे ये ऑन होता है, एक होता है एडजस्ट, ये दोस्तों हमारे किसी काम का नहीं है, ये दोस्तों हमारे ये ग्राउंड का आता है। तो दोस्तों हमें सिर्फ
हमारे दोस्तों क्या हमें यूज़ क्या करना है, जो हमारी VCC है इसमें हम 12 वोल्ट देंगे, यानी कि 12 से 25 वोल्ट देंगे इसके अंदर, और इसमें हम इनेबल देंगे जो यानी कि 5 वोल्ट होगी, और दोस्तों हमारी ये ग्राउंड होगी। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों हमारा इन जो सप्लाई होती है इनके लिए उसके लिए होता है। अब दोस्तों जो हमारा ये अगर हमें दोस्तों वोल्टेज हमें इसकी आउट लेनी है, तो इसके लिए दोस्तों हमें जो ये लिखा हुआ है LED 1 LED -+, दोस्तों ये हमारा यहाँ पर ये LED की दोस्तों हमारी जो वोल्टेज है वो मिलेगी। तो चलिए दोस्तों हम इसको लगाते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ चेक करके। तो देखिए दोस्तों इसके दोस्तों लगाने का तरीका दोस्तों ये है, इसका दोस्तों मैंने ये जेक बनाया है। देखिए दोस्तों इसमें जो ये इसमें दोस्तों 12 वोल्ट और दोस्तों इसमें प्लस माइनस वोल्ट 12 वोल्ट दोस्तों है, जो कि दोस्तों हम यहाँ पर लगा देंगे, जो हमारे कनेक्टर है यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये अगर आप गौर से देखें तो दोस्तों यहाँ ये लिखा हुआ है, ये दोस्तों ये 12 वोल्ट है और दोस्तों ये माइनस है। तो दोस्तों हम जो हमारे दोस्तों जो हमने जो बनाया है कि जेक दोस्तों हमारा ये दोस्तों हमारे यहाँ ये 12 वोल्ट की है और दोस्तों ये हमारा ये माइनस का है नीला वाला। तो दोस्तों इसमें दोस्तों वैसे सेम टू सेम दोस्तों लगाना है, ये दोस्तों ये रहा जैसे मैंने कनेक्टर बनाया है, ये दोस्तों हमारा नीला वाला तो हमारा ग्राउंड रहेगा इसके हिसाब से। ये दोस्तों ये जैसे लिखा हुआ लास्ट में ये हमारा दोस्तों ग्राउंड रहेगा, ये दो पिन है यहाँ की बाहर की, और दोस्तों ये हमारा इस तरफ दोस्तों हमारा ये प्लस करेगा। दोस्तों ये जो संतरी है जो ऑरेंज वायर है इससे हमने इसको प्लस का किया है, और दोस्तों ब्लू हमारा ये माइनस का किया है, और दोस्तों जो हमारा ये ग्रीन है, ग्रीन दोस्तों हमारा ये इनेबल वोल्टेज रहेगा, जो कि दोस्तों मैंने उस पर ये एक 10 की ग्रेशन लगा के दी है, जिससे दोस्तों हमारा जब हम इसको ऑन करेंगे तभी हमारी बैकलाइट ऑन होगी, उसके सिवा ऑन नहीं होगी। उसको दोस्तों लगाना कैसे, जो हमारी फ़ोन हम इसको जो हम ऑन करेंगे वो दोस्तों जो हमारे दोस्तों ये पैन की दोस्तों VCC होती है, हम यहाँ लगाएंगे इसको, जिससे दोस्तों जैसे दबाते ही हमारा ये पैन हमारा ऑन हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों मैं लगाना कैसे है, ये 12 वोल्ट हो गया हमारा, मैं इसको लगा दिया है, ये दोस्तों हमारा ये इस पर लगा देना है, ये ठीक है ये लगा दिया मैंने। अब दोस्तों हमारा जो VCC है हमें यहाँ लगाना है। अगर दोस्तों आपको दोस्तों इसके रिलेटेड दोस्तों कोई भी जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करें, मैं दोस्तों आपके लिए हाजिर रहूँगा, ठीक है। अब दोस्तों जैसे दोस्तों यहाँ ये लिखा हुआ है ये वाला यहाँ पर, ये दोस्तों हमारे प्लस हमारा ये पॉजिटिव है बैकलाइट का, प्लस हमारा पॉजिटिव ये पॉजिटिव है बैकलाइट का, और हमारा ब्लैक हमारा नेगेटिव है। तो दोस्तों वैसे यहाँ लगाना है जैसे ये पिने हैं यहाँ पर, ये हमारी पॉजिटिव है और ये हमारी ये नेगेटिव है। तो देखिए दोस्तों इसको ऐसे लगा देना है यहाँ पर हमें इसको लगा दी है, ये हमारी नेगेटिव हो गई यहाँ पर, ये वाला लिखा हुआ माइनस, और दोस्तों हमारी ये पॉजिटिव हो गई। तो चलिए दोस्तों उसको हम एक बार चेक करते हैं। आप दोस्तों यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ पर अगर दोस्तों हमारी बैकलाइट जलेगी तो हमारे यहाँ पर ये चलेगी। तो दोस्तों मैं इसकी मैं वायर को लगाता हूँ, मैंने लगा दी थी वायर दोस्तों, ये दोस्तों मैंने इसको स्टैंड वाई से रिलीज़ किया। तो देखिए दोस्तों हमारी जो बैकलाइट दोस्तों वो जल चुकी है देखिए आप, और दोस्तों ये बैकलाइट दोस्तों बंद भी नहीं हो रही है। तो यानी दोस्तों हमारा जो कार्ड है वो हमारा ब्लू ख़राब हो चुका था, और दोस्तों हमने जो हमारा दोस्तों ये मॉड्यूल है इसके वजह से हमने इसका ठीक किया है। तो दोस्तों इसको फिर एक काम करते हैं, इसको हम चिपका के अभी टेम्परेरी हम अपनी स्क्रीन को चेक करते हैं कि दोस्तों हमारी स्क्रीन कैसी आई है। नहीं आगे होती है। तो देखिए दोस्तों हमारे जिसको हमने चिपका दिया है ड्राइवर बोर्ड को, अब दोस्तों हम इसके दोस्तों जो वोल्टेज है मतलब स्क्रीन को हम चेक करते हैं। इसको मैं ऑन करता हूँ यहाँ से, उसको निकाल के यहाँ से हटाता हूँ उसको। अब देखना मैंने इसकी वायर लगाई और यहाँ पर हमारी स्टैंड बाई लाइट आई, यहाँ पर स्टैंड बाई LED यहाँ पर आ चुकी। देखिए दोस्तों यहाँ पर इसको मैं ऑन किया, अब स्क्रीन देखिएगा, और देखिए दोस्तों हमारा जो MI दोस्तों हमारा ये बन के हमारा आ गया है। और अब देखिए दोस्तों ये अब ये बंद भी नहीं हो रहा है।
तो दोस्तों आज दोस्तों हमने देखा कि दोस्तों 40 इंच के दोस्तों 40 इंच दोस्तों एम आई के एलईडी दोस्तों में अगर ऐसी दोस्तों कोई दिक्कत वगैरह आती है तो हमें तसल्ली से चेक करना है इसमें क्या ख़राब, जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो आपको कभी कार्ड ख़राब लगेगा, नहीं तो कभी आपको बैकलाइट ख़राब लगेगी। ठीक है, ऐसा आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर दोस्तों आपको अगर आपको कोई भी दोस्तों इसमें परेशानी है, अगर कोई वोल्टेज वगैरह की आपको कनेक्शन करने नहीं आते हैं तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है हरी किशन इलेक्ट्रॉनिक लैब। और दोस्तों अगर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आई हो दोस्तों मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो देखिए दोस्तों इसमें लिख के आ गया है, इसका दोस्तों जो रिमोट है वो कस्टमर के पास है, मेरे पास है नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों। आए नूत टाइम।